बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की मेरी ये वीडियो ज़िराक्स 5855 फोटोकॉपियर मशीन के बारे में है। ये मशीन में एक एरर आ रहा है, फ्यूज़र फेलवर, प्रिंटर फेल टू वार्म अप। ये देखें ऊपर ये भी एरर आ रहा है, रेडी टू स्कैन लेकिन कॉपिंग एंड प्रिंटिंग नॉट अवेलेबल। तो जब ये मशीन आज हमने ऑन की तो इसमें इस तरह का एक ये एरर आ रहा था, तो इसको किस तरीके से दूर करना है और ये किस वजह से आता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उसके लिए आप मेरी पूरी वीडियो देखें और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। सबसे पहले आपने क्या करना है, मशीन को वापस पावर डाउन कर देनी है। पावर ऑफ कर देते हैं, फ्रंट डोर ओपन करना है। ये R3 यूनिट जो है, जो हीटर यूनिट होता है, इसको आपने बाहर निकाल लेना है। एक दो तीन चार, ये चारों स्क्रू आपने खोलने हैं। ये चारों स्क्रू खोलने के बाद ये कवर आपने इस तरीके से उतार लेना है। ये देखें, इसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर करें और इसको भी निकाल लें। ये एक क्लिप लगा है, इसको भी आप इस तरीके से खोल लें। इसको ये इस तरफ कर लेते हैं। ये क्लिप लगा है, इसको भी आप यहाँ से खोल लेंगे और इसको भी यहाँ से निकाल लेंगे। इस तरीके से ये आपने क्लिप खोल लेने हैं। ये और ये दोनों स्क्रू भी खोले हैं। यहां से भी आपने ये देखें, एक क्लिप ये लगा है, इसको आपने खोल लेना है। और इसके साथ ही दूसरा क्लिप भी है, उसको भी आप चाहें तो खोल लें। ये दो फ्यूज लगे हुए हैं इसके, जब भी ये दोनों ख़राब हो जाएं या इनमें से कोई एक ख़राब हो जाए तो इस तरह का जो है वो एरर आता है। ये वाला फ्यूज़ जो है जल गया, आपने इसको मीटर से चेक कर लेना है कोई भी कौन सा फ्यूज़ काम नहीं कर रहा। अभी हम इसको खोलेंगे। कोई भी एक इस तरह की आपने वायर ले लेनी है।
पीके से इस तरफ से लगा के इस तरीके से आपने इसको ड्रैग कर देना है। अब हम इसको क्लोज करेंगे। अभी मशीन को ऑन करेंगे। Thank you.
तो ये देखें वो एरर ख़त्म हो गया है जो कि पहले मशीन में आ रहा था, कॉपी एंड प्रिंटिंग नॉट अवेलेबल और फ्यूज़र वाला। अभी मैं आपको कॉपी करके भी दिखाता हूँ। तो ये देखें रेडी टू स्कैन योर जॉब। अभी कॉपी भी करके देख लेते हैं कि हीटर ठीक तरीके से काम कर रहा है या नहीं। स्टार्ट, तो ये प्रिंट आ गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी फोटोकॉपी मशीन में भी इस तरह का कोई मसला आ रहा है तो आप इस तरीके से इस मसले को हल कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।